भाई देख लिया क्या? अच्छा उसके हाथ पे कूदना है शायद। फाइनली गाइस यहाँ पे तो पूरा डरावना जगह है। और ये क्या है यार, इसे किडनैप करके रखा है। अरे इसके अंदर कोई है यार, अच्छा इसे मानना था इसे थोड़ा था, ये पानी के अंदर गया और ये जिंदा हो गया। अरे कुछ मार्क कर रहे बॉल में, ये किसका लोगो है यार, कुछ तो बना दिया इसने। हर्ट करेंगे, अच्छा ये लाइट के थ्रू हमें निकलना है क्योंकि लाइट हमारी हेल्प करेगी। और इनको टच नहीं करना है, अगर मैं इनको टच करता हूँ तो ये मुझे मार देंगे, तो ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं ब्रम्बल द माउंटेन किंग का पार्ट 5। अगर आपने पिछले पार्ट्स वगैरह नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना, जिससे जो आपकी स्टोरी है कंटिन्यू हो जाएगी। Ulle wished he could stay in the warm light of the library, but he knew that he needed to reach the mountain and find Lilimor. तो गाइस अभी हमें एक माउंटेन में जाना है और माउंटेन में शायद हमारी लिलीमोर है, तो उसे ही हमें ढूंढने जाना है। तो चलते हैं, अंकल जी को बाय बाय बोलते हैं। Suddenly, he heard a familiar voice. Follow me, little brother. I will protect you. Okay, तो ये गाइस शायद वही है, तो इसकी बहन ही है और इसके पीछे पीछे जाना है हमें। रुक क्यों नहीं रही है? शायद गाइस ये फेक हो सकता है, यहाँ पे कोई जादू वगैरह है लगता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ऐसे इसे इंटरेक्ट कर रहा है अपनी तरफ किसी मैजिक से। अभी पता चलेगा। हाँ गाइस मैं सही था। ओ भाई ये तो खतरनाक दिख रही है यार, इसका दिल दिख रहा है यहां से। ओ भाई साहब क्या है ये, और ये कोई बॉस जैसी लग रही है, शायद इसे हमें फाइट लेनी होगी। क्या ही खतरनाक सीन है गाइस, तो इससे लगता है हमें बचना है। तो शायद हमें ये सभी को जो दिख रहे हैं, तो ये हमें मार भी रही है। तो इन ब्लड से हमें बचना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि नीचे से रॉड भी डालती रहती है। देखेंगे कि हमें मार ना पाए, और यहाँ से इसमें अगर मैं थोड़ा भी टच हुआ तो मैं मर जाऊँगा। ये वाला जो अटैक करते हैं इससे बहुत डर लगता है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमें हर्ट करता है, और एक बार में ही मर जाएगा गाइस। तो पेड़ से दूर रहना है शायद मुझे। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, और एक एक शायद इस इन डेड बॉडी में शायद उसकी पावर है, तो इसके बाद इनको ख़त्म करने के बाद मैं उसकी बॉडी में अटैक करूँगा।
तो इससे भी बचना पड़ेगा। ठीक है, और भी बचे हुए हैं यहाँ पे। बच गया, मैं मरने ही वाला था। और भी है शायद यहाँ पे। ओके, पेड़ से दूर रहना है मुझे फिर से। ओके फाइनली गाइस, कपड़े वगैरह तो पहन लेना चाहिए था इसे। गुस्सा आ गया है। ओ भाई साहब, अब शायद इसका जो स्टोन है वो एक तलवार का सेव ले लिया है, जिससे हमें फाइट करनी पड़ेगी उसे। और उसका लगता है कि पीछे जो हार्ट उसका दिख रहा है उसमें हमें वाइट करना है। चलते हैं। बट नहीं, अभी नहीं। वो तो अभी कैसे मानना है इसे, शायद और कुछ टाइम करना पड़ेगा मुझे ये चीज। अच्छा हाँ, और भी हैं अभी। तो ये क्या करने वाली है? ओ भाई, ये तो और डेंजर है। बच गया मैं। चलो ठीक है, फिर वही मैजिक करेगी लगता है रोज। अच्छा ये दूसरा है, चांस नहीं लेना है मुझे। तो फिर से वही हो गया, तो मैं पेड़ के पीछे ही रहूंगा। ओ भाई 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 भाई, बच गया। ओ भाई साहब, फिर से आ गया वो। बच गया यार मैं। फिर से अटैक करेगी, थ्रो करने वाला। चलो ठीक है, ये वाले से मुझे डर लगता है। चलो ठीक है, कुछ और बचे हैं थोड़े से, और शायद फिर वो मर जाए। तो अभी क्या करने वाले? और ये कहीं कोई जादू कर रही शायद, जिसके वजह से वो यहाँ पे निकल रहे हैं बार बार। अच्छा, इस वाले अटैक से मुझे बचना था हर बार। भाई बच जा। ठीक है, बच गया मैं। ओ भाई यार, सिट। मुझे लगा वो कहीं वो अटैक करती ना थ्रो करके कुछ, तो मैजिक से तो मुझे लगा कहीं उसे ना करना हो। ठीक है, अच्छा ये वाला अटैक है।
इसके बाद करती ना थ्रो करने वाला अटैक, इससे डर लगता है। ओ भाई सब मरने ही वाला था मैं। बार बार यही मैजिक कर रही है। बच गया यार। अच्छा उस साइड है वो। ओके ठीक है। यहाँ पे मैं सेफ हूँ। थोड़े से और बचे हुए हैं और मैं शायद इसको जल्दी मार दूँ। ये वाला अटैक इसका डेंजर है, मुझे इसी से डर लगता है। बच गया यार। चलो एक लास्ट बची है, और बचे हुए हैं लगता है यहाँ पे। ओके तो इसका जो दिल है पीछे से दिख रहा है और इसे में हमें अटैक करना है। तो पिछले बार तो नहीं हुआ था, शायद इस बार हो जाए। नहीं यार अभी और भी इसकी पावर्स बची हुई है शायद। वो दीवार में जो डेड बॉडीज ला के रखी। अच्छा ये आ गया तो यहाँ पे इन सारों को मानना पड़ेगा। कितने हैं ये टोटल, कितने हैं? 6, 2, 8 है। चलो ठीक है। तो इनसे बच के रहना है अगर इसके ओ भाई साहब। सो इनसे हमें बच के चलना है और बचते हुए आराम से करना पड़ेगा। मैं थोड़ी जल्दबाजी कर दिया था। नहीं उसे अटैक नहीं कर सकते। ठीक है थोड़ा आराम से करना पड़ेगा मुझे। नहीं हुआ। अरे यार ये वाले आ जाते हैं ना बहुत सारे। तो मुझे शायद इस साइड जाना पड़ेगा। भाई हट जा। चलो दो और बचे, एक लास्ट और बचा हुआ है। चलो इस बार हमने जल्दी कर लिया इसे। अभी क्यों नहीं हुआ यार? बड़ी डेंजर सी है यार ये तो। अच्छा फिर चलना है। ओके फाइनली गाइस।
बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी बहन को उसने हाथ से मचल दिया था ना। ओके गाइस, अब बस हो गया, मर गई होगी। फाइनली गाइस, हमने इस बॉस को मार दिया है और अभी हमारा गेम यहाँ से आगे बढ़ेगा। सो गाइस, यार चैनल पे नए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार। ओके, सो हमने फाइनली उसे मार दिया। बहुत ज़्यादा सैड है अपना ओले। और ये क्या पूरे पत्थर में कन्वर्ट हो गई गाइस, ये क्या दिख रहा है यार, ब्लड से पूरा लिथा हुआ है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट हमने कर लिया, जल्द जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लिया। ये वाला चैप्टर यहाँ पे एंड होता है और इसके बाद शायद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं। ओके, तो हम नए से लोकेशन में आ गए हैं और What have you done? Tuva's voice called out to him. First time किसी को मारा है शायद जान से, इसलिए ज्यादा ही सैड है। और शायद हम लोग कहाँ आ गए यार, ये पूरी आग सी लगी है हर जगह, तबाह से लग रहा है। चलते हैं आगे, देखते हैं यार। मुझे लगता है ये शायद वो राजा का टाउन है जहाँ पे राजा के, जब वो उस राजा का एक लड़का था जो कि बहुत मुश्किल से हुआ था और वो बीमार हो गया था, तभी बीमारी कारण वो मर गया था और तभी से शायद वो राजा बहुत दूर हो गया गाइस और वो सभी को मानने लगा। गाना अच्छा बज रहा है बैकग्राउंड में। ओ माय गॉड, कितने सारे लोग को यार लटका के रखा है। यहाँ पे कुछ साइनिंग मार रहा है, शायद उस राजा ने ही किया इन लोग को या खुद लगा लिए पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि एक लेडी ने अपने बच्चे को मार के खुद सुसाइड कर लेती है, बट इन लोगों को किसी ने झुलाया लगता है यहाँ पे। चलते हैं थोड़ा और आगे, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सोचा था ये गेम प्ले एक नॉर्मल रहेगा जहाँ पे हमें पजल्स वगैरह कंप्लीट करना है, बट ये सच में यार हॉरर गेम से भी थोड़ा आगे है। यार वहां पे कोई जा रहा है, आप लोगों को दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में, मुझे दिखा था थोड़ा सा। यहाँ पे जस्ट लगता है फाइट हुई है कुछ टाइम पहले। ओ भाई, यहाँ पे भी देखो बहुत सारी डेड बॉडी लटकाए हुए है। इन लोग को शायद राजा ने ही मारा है और ये शायद बिचेस जादूगरनी होंगी इसलिए, क्योंकि उसे वो फूल नहीं मिला था अपने बच्चे को बचाने के लिए, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और सभी को मारने लगा और उसका लास्ट में बच्चा मर जाता है, फिर भी वो स्टॉप नहीं होता है। ये वाला सीन अच्छा है गाइस, बट सैड सीन है गाइस। ये बेचारा अकेला घूम रहा है अपनी बहन को ढूंढते हुए। शायद हमें किसी पहाड़ के ऊपर जाना था और वहां पे इसकी बहन मिल सकती है, तो देखते हैं। तो किसी टाउन में आ गए गाइस हम लोग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
अरे टाउन भी ऑलमोस्ट खत्म है, शायद कोई मिल जाए हमें यहाँ। पता नहीं क्या होगा आगे, बट जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा गाइस। क्या लिखा है ये? नील साल्ट, कोई जगह का नाम है नील साल्ट। और यहाँ डेड बॉडी कितनी सारी पड़ी है। ओके इस घर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे भी कुछ है। अच्छा यहाँ पे कुछ करना है, ठीक है। अच्छा ओके, अरे यार ठीक है फिर से करते हैं। और अभी हमें बाई दबाना है, खुल जाएगा फाइनली। ओके तो शायद हमें घुमाना है। अच्छा कोई की मिल गई है हमें आगे जाने के लिए गेट से, तो ले लेते हैं की को, ठीक है। और शायद इस गेट को खोलना है, इससे खुल गया। चलो यहाँ पे तो जुम्बीज भी हैं यार, कैसा गेम है, इसमें हर चीजें दिखाई गई हैं। और शायद हमें इनसे बचते बचते हुए जाना है आगे। मैं यहां से निकल जाऊंगा क्या? हाँ ठीक है जल्दी से भागता हूँ। अरे यार यहाँ पे तो और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे कैसे जाऊँ? अच्छा ये लेफ्ट साइड में जो घास दिख रही है शायद इसके अंदर मुझे घुस जाना है, तो मैं यहाँ क्राउच हो जाता हूँ पहले। अच्छा मैं क्राउच होकर जाऊंगा तो इनको नहीं पता चलेगा, फिर ठीक है इजीली निकल जाऊंगा मैं इनके पास से। अच्छा हाँ मैं खड़े खड़े जाऊंगा तो इनको पता चल जाता है, तो शायद यहाँ पे भी यही करना है क्योंकि आगे एक डेड बॉडी है। तो मैं आराम से चलता हूँ यहाँ से। यहाँ पे कुछ है मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा एक बुक है यहाँ पर। Once there was a peaceful village near a great forest. One night, people began to see a beautiful woman with long dark hair lurking in the shadows during the full moon. Achha? Men started to follow her into the forest. Some of them never returned, and those who did had lost their minds. शायद वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसे कुछ जो देख लेता था तो उसके पीछे, मतलब कि उसका मोहक हो जाता था गाइस, उसके पीछे जाने लगता था। फिर क्या हुआ? The villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. अच्छा ठीक है, तो ये इस औरत की वजह से लगता है ये सभी मर्द लोग उनके बस में आके और सभी औरतों को मार दिए शायद। They started to execute them, hoping to find the right one. Yet men kept disappearing during full moon nights. ठीक है। The villagers grew more and more desperate and burned down a large area of the forest in the hope of finding this strange, beautiful woman, but to no avail. ओके तो जिसको अभी हमने मारा है थोड़ी देर पहले,
उसने सभी मर्द लोग को कंट्रोल में कर लिया था और वो लोग अपनी मतलब जो वाइफ थे या फिर कोई भी और लड़की लोग है सबको बांध के लटका दिया तो जला दिया उनको और सब लोग इसके पीछे जाने लगे बट ये भी उनको मार देती थी. The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. They burned down more of the forest that had served them with resources. और इसी वजह सब लोग मर गए क्योंकि वो सब लोग उसके कंट्रोल में थे. Then one night, when the moon shone at its brightest, five brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair. थोड़े लोग ने क्या किया उस डार्क मून का वेट किया जब वो मून निकलेगा तभी उसको हंट करने के लिए गाइस लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं. After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. The men were instantly enchanted and followed her deep into the forest's heart. Okay, तो फिर जैसे वो सामने आती है तो कपड़े वगैरह नहीं पहनी रहती है तो शायद वो देख के वो लोग मोहक हो जाते हैं और फिर उसके पीछे जाने लगते हैं. She was a shapeshifter that mimicked what men wanted to see in order to lure them away. When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. Okay, तो वो अपना शेप मतलब शिफ्ट कर सकती थी कुछ भी बन सकती थी जानवर बन सकती थी या कोई किसी और का रूप ले सकती थी तो यहाँ पे शायद उसे कोई टच किया है और वो एक मॉन्स्टर में मॉन्स्टर बन गई. She ripped their chests open, hung them up in the trees, and drew strange powers from their still beating hearts. Okay, तो उसने क्या किया? Would ever see them again. तो वो जो लोग उसका फॉलो करते थे तो उनका वो दिल निकाल लेते थे शायद और उसमें उसको कुछ पावर रुक जाते थे और उन्हें एक पेड़ में लटका देते थे जैसे हमने लास्ट टाइम में उसको मारने से पहले हमने वहाँ डेड बॉडी के हार्ट में अटैक किया देन इसको हमने मारा. बड़ी डेंजर थी यार ये तो. चलो हमारी बुक ख़त्म हो गई और शायद अभी हमें इस गेट से बाहर निकल जाना है. तो यहाँ पे कुछ मार्क दिख रहा है बट क्या है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता चल रहा है. आई थिंक ये कोई टावर जैसा लग रहा है. देखते हैं गाइस चल के आगे. तो हमको इसी साइड से जाना था. भाई साहब यहाँ पे तो बहुत सारे हैं यार. तो क्या मैं निकल पाऊँगा? तो शायद मैं क्राउच होके जाता हूँ आगे. क्राउच होके मैं निकल जाऊँगा मुझे ऐसा लगता है. ओ भाई देख लिया उसने. देख लिया यार. तो मुझे इस घास की तरफ से जाना है. अगर वो जो पंछी जहाँ पे खाना खा रहे हैं अगर वो भी उड़ेंगे तो भी साउंड हो जाएगा तो उनको मालूम पड़ जाएगा. तो मैं यहाँ से चलता हूँ आराम आराम से. ओके जा भाई. ओ शिट यार मैं मिस कर दिया. फिर से करना पड़ेगा. चलो ठीक है फिर से ट्राई करते हैं. अच्छा उसके ऊपर जंप मारना था मुझे. तो वहां पे मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा और जब ये खड़ा होगा तभी सभी को दिखता है सभी को मालूम पड़ता है. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लूंगा. ओके तो हमने कंप्लीट कर लिया. अब क्या? तो यहाँ पे कुछ है? यहाँ पे भी हो सकते हैं. तो अभी क्या? अच्छा शायद इसके ऊपर चढ़ना है. ओ यार नहीं यार यहाँ पे कुछ और करना है क्या? कुछ तो और करना था. बट करना यहीं पे कुछ है. अच्छा हाँ
वहाँ पे मुझे बटन को प्रेस करना था, देन उसके ऊपर हैंग अप होता है। तो ठीक है अभी चलते हैं यार, और शायद इस खिड़की के अंदर जाना है मुझे, कहीं इसके अंदर भी कोई जुम्बीज ना हो। हैं यार, ओ भाई पकड़ लिया यार इसने फिर से। यहाँ पे करना कैसे है, मुझे अंधेरे में घूमना है क्या? यहाँ पे कुछ है? ठीक है तो मैं अंधेरे में जाता हूँ, नहीं जलाऊंगा मैं लाइट इस बार। ठीक है मुझे साइड में कर दिया, ठीक है अभी ठीक है। तो ऐसा कुछ था, उनको अंधेरे में नहीं दिखता है शायद, और इस खिड़की से बाहर जाना था। ठीक है तो गेम में यार सेंस बहुत ज़रूरी है लगाना। और यहाँ पे शायद हमें कुछ करना है ऊपर, चलते नीचे चलते डायरेक्टली। ओ भाई तो यहाँ पे एक और मैजिक गेट है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ओपन किया था, वो लेडी जहाँ पे हमें देखने के लिए मिली थी। तो पहले मैं गेट को चेक कर लूँगा, गेट में क्या गेट मैजिक लगेगा। ओके तो एक वाला ये वाला शेप चाहिए मुझे, और एक क्रॉस और एक प्लस, ये दोनों प्लस है। तो यहाँ पे चेक करता हूँ मैं कुछ है क्या। चलो ये वाला तो ईजी है यार, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला ऐसा है, तो इसको मैं एक उठा लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे अच्छा ये प्लस उठाना था मुझे, तो ये बड़ा वाला प्लस है, नहीं ट्रायंगल तो नहीं चाहिए। अच्छा एक और चाहिए हमें, प्लस चाहिए, तो शायद ये सामने हो सकता है। ये गेट ओपन होगा क्या? अच्छा ये रहा, नहीं है, इसमें है क्या? अच्छा ये छोटा वाला प्लस है। चलो तो इसको हमें शायद कुछ बनाना है इसका, और देन गेट के ऊपर डालना है। तो मैजिक मैं भी सीख गया गेट ओपन करने के लिए। हाँ हो गया ये वाला, और अभी क्या क्या चाहिए मुझे? ओके एक ट्राइंगल और एक वो और 3-0। अच्छा ठीक है, तो एक ये चाहिए और ये भी चाहिए क्या? नहीं ये नहीं चाहिए, शायद यहाँ पे हो बाकी आइटम्स यहाँ पे। हाँ एक ये भी चाहिए, एक ये भी चाहिए, और एक क्या चाहिए था? अभी हमें तीन, दो तीन चीज़ें और ढूंढनी है यहाँ पे, एक बार चेक आउट कर लेता हूँ। तो तीन तो मैंने ले लिया है, अच्छा एक ट्रायंगल भी लेना है हमें, और लगता है मुझसे मिस्टेक हो गया है, क्यों मुझे तीन वहाँ पे सर्कल्स है 0 वो लेना था। तो ये वाला मैं मिस्टेक हो गया, तो इसको मैं पहले कर लेता हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है, बट वो सब निकल जाएंगे जो मैंने उठाया था। तो दो चीज़ें और मिस है इसमें, ठीक है तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस बार। अच्छा ये रहा, ये लेना है मुझे एक, और एक लेना था यार, और एक ये ट्रायंगल, देन बाकी आइटम्स हमारे यहाँ पे है। कहाँ गया यार? अच्छा इसमें रहा, तो एक ये लेना था और एक ये लेना था, नहीं ये नहीं चाहिए। तो एक और बचा है, एक कुछ तो और था यहाँ पे, मालूम पड़ेगा क्या था वो। सर्कल नहीं चाहिए था मुझे,
नहीं बस हो गया लगता है, चार आइटम भी है ना, एक बार और चेक कर लेता हूँ गाइस, पता चले फिर से आना पड़े। तो ट्राइंगल हो गया, ये वाला शेप हो गया, चौकोन हो गया, चलो ठीक है अभी सही है। तो शायद हमारा गेट अभी खुल जाना चाहिए, ये और कुछ आएगा। ओके गाइस फाइनली खुल गया, और चलते हैं अभी बाहर साइड हम लोग। तो यहाँ पे सामने वाले गेट पे जाना है आई थिंक। तो ये गेट लॉक है, तो कहीं हमें की लगता है ढूंढना है इस गेट का। तो यहाँ पे भी तो जुम्बीज नहीं है, नहीं है, तो शायद इस हाउस के अंदर जाना है। तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, देखते हैं। अच्छा ये रही की तो हमने उठा लिया, और कुछ उठाएगा यहाँ से शायद नहीं। चलते हैं गाइस अपना गेट से वहां पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुझे बोरिंग सा लग रहा है, क्योंकि ये सब चीजें करना यार थोड़ा, पहले ठीक था, बट किसी टाउन में आ गया तो यहाँ पे थोड़ा हमें पजल्स वगैरह मिल रहे हैं, बट इतने भी हार्ड नहीं है जिन्हें करना मुश्किल हो। तो ओके लगता है फिर से यहाँ पे चढ़ना है। ओके तो यहाँ पे कुछ करना है क्या? अच्छा हाँ इसको, शायद इसके ऊपर चढ़ना है हमें। अच्छा हाँ हमें इसके ऊपर चढ़ना था। और यहाँ पे कूदना है, ठीक है। ओके सो हम यहाँ पे आ गए, और अभी शायद हमें ऊपर चलना ही है। तो इसके अंदर कुछ है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे कुछ है, कहीं जिंदा तो नहीं है। सो इसने कुछ बनाया है यहाँ पे, शायद फूल वगैरह का मार्क दिख रहे हो। ओके ठीक है, ओके तो हमें यहाँ नहीं आना था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बट वो फूल का कुछ तो मतलब होगा जो आगे हमारी हेल्प करेगा। तो अभी हमें राइट में जाना है, राइट वाले हाउस में। और शायद फिर गेट तो लॉक है, बट देख लेते हैं एक बार, लगा क्या उसे, लगा होगा थोड़ा। यहाँ पे जाना था नहीं यार, मैंने खाली फोकट यहाँ पे आया और टाइम वेस्ट किया। कोई बात नहीं चलते हैं आगे और देखते हैं। तो यहाँ पे जाना था शायद हमें, तो नहीं कूदेगा उस साइड। ऑलमोस्ट हम लोग ये टाउन से बाहर शायद निकलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। बोट चलानी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे कोई बंदे के ऊपर है, खींचना पड़ेगा इसे। ओके तो इसके हाथ में कुछ है, तो वही वाला चीज हमें करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। एक्स एल बी एंड आर बी। अच्छा इसके हाथ में की थी जो कि हमें मिल गई है, लेट्स गो। तो यहाँ पे एक कैंडल की जरूरत, कैंडल का एक मार्क है गाइस, पता नहीं क्या है ये, चलते हैं अंदर। वैसे तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे कुछ बुक है, इसको भी रीड कर ही लेते हैं क्या है। डियर डायरी, आई एम सो इन लव विद हिम, आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इट, इट फील्स लाइक ही लव्स मी टू। Our village still tries to heal its wounds from the dark days.
But at least me and my love survived and have each other. After the horrible witch hunt, we thought we were safe. We thought we would have peace. But then the plague came to our village. Feels like the plague is some kind of punishment for our sins. Maybe we deserve this. People say they have seen an old woman with a rake at night. Every house she passes, people inside get sick. I hope she does not come to my house. Every morning, someone new has fallen ill, and shortly thereafter, they die. It is horrible. The dead are rising from their graves, and they eat the ones left alive. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. I'm out of food, and the dead are right outside my door. I miss him so much. अच्छा ये लड़की की स्टोरी है जिसने सुसाइड करने से पहले एक नोट लिखा था जिसमें किसी लड़के से प्यार कर देते और उसको अचानक से कुछ तो हो जाता है जो कि फंगल और जुम्बिस टाइप से कुछ इन्फेक्टेड हो जाता है जिससे वो कहीं भी जाता है और वहाँ के लोग बीमार हो जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे सभी लोग धीरे धीरे बीमार होकर मरते गए और इस लड़की के पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो इसने सुसाइड कर लिया और बोला कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम जन्म लूँ तो इसके साथ ही लूँ। शायद यहाँ पर हमें नहीं आना था तो चलते यहाँ से बाहर और मुझे लगता है यहाँ पर सामने जाना है तो यहाँ पे भी जुम्बीज है लगता है। ओके डरावना था थोड़ा सा। चलो ठीक है ये क्या है यार गेट है क्या है तो सारे से सुन के सभी जुम्बीस पास में ना आ जाएं। बस लेट्स गो गाइस करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मुझे लगता है वो सामने वाला जो बड़ा वाला घर है उसके अंदर जाना है। चलते हैं जल्दी से। बट वहां जाने के लिए रास्ता है क्या कोई यहां से? नहीं उस साइड नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ बहुत सारे जुम्बीस हैं और वहाँ से जाना सेफ नहीं रहेगा। मुझे लगता है गेट में चलना पड़ेगा अंदर। हाँ सही है। अब गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे भी अंधेरा है तो यहाँ भी जुम्बीस होंगे और लाइट में जलाऊंगा तो मैं मर जाऊँगा। शायद हमें ऊपर जाना है तो ऊपर ही चलते हैं। तो ये चीज करना था हमें। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो यहां से निकलना था मुझे। चलो ठीक है यार हमने कर लिया बट हमें यहां कुछ और करना है। अच्छा ये लेना था हमें हैंडल जो कि उसे सामने गेट हमारा ब्लॉक है तो उसे वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। ले लिया क्या मैंने? अच्छा ले लिया है। चलो ठीक है फिर चलते हैं। अच्छा ये करना था। ओके गाइस तो ये हमारा गेट फाइनली ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट डन। चलो ठीक है गिरना नहीं है छोड़ो। अब यहाँ पे भी तो कुछ है यार। बच गया मैं।
शायद मुझे थोड़ा, यहाँ पे चूहे कितने सारे हैं और यहाँ पे कुछ खाना है क्या? 1 kg मोजल क्या है यार ये? शायद हमें इस गेट से बाहर निकलना है, तो निकलते हैं यहाँ से, बहुत अंधेरा है। ओके तभी हम टाउन से बाहर नहीं निकले, लेकिन मुझे ये सारे घास देख के ऐसे लग रहा है। इस गेट में जाना है क्या? और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ओ भाई साहब, तो सभी लोग यार सुसाइड कर लिए खाना के बिना, लगता है मुझे खाना नहीं मिलता था इनको यहाँ पे, क्योंकि सारे जुम्बी बन गए थे और सेफ भी ये जगह नहीं थी बिल्कुल भी। तो सब लोग ने सोचा कहाँ जाएं, मर तो जाएंगे तो खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। तो अभी हम एक चर्च में पहुँच गए हैं और शायद इस टाउन का चर्च है और यहीं से शायद हमें कोई बाहर निकलने का यहाँ से रास्ता मिल जाए। यहाँ पे कोई बुक वाला सीन है तो मैं बुक उठा लेता हूँ पहले ही। और यहाँ पे रखना है क्या शायद? गाइस ओ भाई मैं सही था यार, तो एक ही ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इसको कैसे निकालेगा? मैं बाकी बुक्स वगैरह ढूंढ लेता हूँ, फिर उसको लास्ट में देखता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शन बता रहा है, चेक कर लेते क्या है। ओके ठीक है, तो इस साइड तो कुछ भी नहीं है, शायद आगे हो। अच्छा एक ये बुक रही, इसको भी उठा के वहीं रखना है। और वहां से शायद हमें कहीं जाने के लिए रास्ता मिलेगा। तो मैं इतने में चढ़ जाऊंगा शायद। ओके चलो, तो वो बुक फिर हमें कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है। ओ भाई यार, अच्छा यहीं आना था मुझे, चलो ठीक है। यहाँ बहुत सारे जुम्बीस हैं और शायद हमें वो सामने वाले टावर्स में जाना है। ये जग जाएंगे लगता है सारे के सारे। अरे चढ़ जाना भाई, तो ये मेरे पीछे ही आने वाले हैं। क्या करना है यहाँ पे? अच्छा वहां पे जाना था मुझे, चलो निकल जाऊंगा, अभी तो बहुत दूर है वो लोग। फाइनली गाइस हम लोग इस सिटी से निकल गए बच के, और इतने सारे जुम्बिस थे हमारा कुछ भी नहीं कर पाए। और ये तो पीछे ही आ रहे हैं यार। अच्छा ये ब्रिज में शायद गिर जाएंगे वो लोग। चलो सभी के सभी नदी में गिर गए और हम लोग टावर के पास डायरेक्टली पहुंच गए, तो शायद हमें टावर में चढ़ना है। तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले था गाइस। और अभी इस टावर में पहुंच के हमें क्या करना है मुझे नहीं पता है, तो चलते हैं जल्दी से टावर में चढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। शायद कोई मैजिक टावर है या कुछ और है, पता नहीं। और यहाँ पे कुछ है, एक मिनट, कोई टॉय जैसा है, उठा के देखते हैं इसको। अरे उठा ले भाई, कोई टॉय है गाइस जिसको हम लोग को पिकअप करना है, ठीक है। तो फाइनली गाइस हम लोग टावर में पहुंच गए हैं और शायद हमारा ये चैप्टर यहाँ से एंड हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो गेम प्ले अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना गाइज। अगर चैनल पे नए हुए सब्सक्राइब करके रख लेना। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है गाइज मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। सो थैंक यू सो मच अगेन, और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।